नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Vivo T2X 5G मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। यानी दोस्तों, किसी भी ऐप में आप फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हो, तो कैसे आप लगाओगे, चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर प्राइवेसी ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपने अपने मोबाइल में प्राइवेसी पासवर्ड बना के रखा है वो डालेंगे। अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ से बना लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा है, तो दोस्तों मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सारी ऐप आ जाएंगी। तो दोस्तों, जिस ऐप में आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है उस ऐप को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं फेसबुक में फिंगरप्रिंट लॉक लगाऊंगा और गूगल क्रोम में लगाऊंगा। तो दो टिक मैंने इनेबल कर दिया है, अब आपको बैक आ जाना है। एक बार और बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक है वो दोस्तों आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, तो इस टिक को आपको इनेबल करना है और देख लेना आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐड पहले से ही होना चाहिए। अगर ऐड नहीं तो ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके फिंगरप्रिंट आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद इस टिक को आपको इनेबल करना है, प्राइवेसी पासवर्ड आपको एक बार यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ये जो है ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। चलिए बैक करके दिखा देता हूँ। बैक किया, बैक करने के बाद फेसबुक और क्रोम ब्राउजर में लगाया था, तो ये रहा फेसबुक, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए फिंगरप्रिंट मांग रहा है, और जैसे ही मैं फिंगर टच करूंगा तुरंत दोस्तों जो है ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हो।